तो आ गए हम ब्रेनहेड का अगला एपिसोड लेकर। आज के इस एपिसोड में खेलेंगे लेवल 80 to 90। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हम इसी प्रकार का ब्रेन आउट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब ब्रेन आउट को ओपन करते हैं और लेवल 80 to 90 खेलना शुरू करते हैं। लेवल है 80। इस लेवल में बोल रहा है पुट द शेप्स इनटू द राइट फ्रेम, यानी कि जो शेप दिया है इसका फ्रेम बगल में दिया हुआ है, इसको जाके उसमें सेट करना है। तो चलिए वन बाई वन करके इसको सेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सब तो सेट हो गया, लेकिन ये वाला खुद ब खुद सेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है इसका साइज सेम नहीं है। तो इसको हम सेट करेंगे फर्स्ट वाले में यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये खुद ब खुद सेट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अगला लेवल है 81। यहाँ पे बोल रहा है स्पॉट द डिफरेंसेस। यहाँ पे हमको इसमें से डिफरेंट चूज करना है कि क्या क्या डिफरेंट है। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि दोनों गमला सेम है और इसमें दोनों में ही तीन तीन फ्लावर है, लेकिन इसमें कलर अलग है। तो चलिए देखिए, राइट साइड वाला फ्लावर दोनों रेड है और लेफ्ट साइड वाला दोनों फ्लावर सेम है, लेकिन बीच वाला जो फ्लावर है वो दोनों का कलर अलग अलग है। तो उस पर ही क्लिक करके देखेंगे। देखिए वो सिलेक्ट हो गया, अलग अलग है, लेकिन हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। हमें आगे भी कुछ कलर चूज करना है या डिफरेंस देखना है। इधर उधर क्लिक करके देख लीजिएगा, नहीं हो रहा है फिलहाल। देखिए दोस्तों, ये जो टेबल था वो हिल रहा है, उसको ऊपर कर दीजिए और नीचे भी देखिए उसका सेम ही कॉपीराइट नीचे है। उस पर देखिए, फिर बीच वाला अलग अलग कलर का है, उस पर क्लिक कीजिए, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अगला लेवल है 82। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी होल्स डॉज दिस पैंट्स हैव, यानी कि इस पैंट में कितना छेद है। तो चलिए, हमारे हिसाब से देखने से ये लग रहा है कि ऊपर से दो, नीचे से दो, दो घुटने पर दो जेब और एक जीप। तो चलिए हम टोटल मिलाकर 9 हम गिने हैं। तो चलिए हम 9 टैप करके देखते हैं क्या हमारा सही होता है या नहीं। देखिए हमारा 9 सही हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अगला लेवल है 83। तो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट अ वाटरमेलन कैन बी कट इनटू विथ 10 कट्स, यानी कि हमें 10 बार वाटरमेलन को काटना है और कितना पीसेस होगा वाटरमेलन का, वही यहाँ पे हमें लिखना है। दोस्तों बहुत ही मेहनत लग रहा है हमें इस लेवल को पार करने में, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए, इसको हम अभी तक काउंट जो किए हम अपने हिसाब से, दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए 1024। तो देखते हैं क्या होता है। हम कैलकुलेट किए हैं दोस्तों, हमें टाइम लगा वीडियो को, हम थोड़ा सा कट किया यहाँ पे क्योंकि हमें टाइम लगा इसको कैलकुलेट करने में, इसलिए हम स्किप किए हैं खुद ब खुद। तो चलिए, आप खुद से कीजिएगा या पुट कर लीजिएगा। देखिए सही होगा, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला लेवल है 84। कैच द रैट, यानी हमको चूहा को पकड़ना है। अब कैसे पकड़ेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमको पकड़ना है। ये ब्रेन आउट गेम है। आग ले जाएंगे, चूहा भागेगा लेकिन नहीं भाग रहा है। देखिए यहाँ पे हमको बिल्ली देखने को मिल रहा है, म्याओं म्याओं बोलेगा तो चूहा तो भाग ही जाएगा, लेकिन हमको चूहा पकड़ना है। तो बिल्ली को छेड़छाड़ने की, देखिए इसको लकड़ी को आग के पास लाइएगा तो लकड़ी में से धुआं निकलेगा। धुआं को हम उसके पास ले जाएंगे, मशीन के पास, दोनों तरफ धुआं निकलेगा और एक तरफ का धुआं को उठा के दूसरे तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये दोनों एक ही तरफ हो जाएगा, तो चूहा खुद ब खुद निकल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अगला लेवल है 86। यहाँ पे बोल रहा है हम इस चार वर्ड को यूज करके सबसे छोटा वर्ड कौन सा बना सकते हैं, उसे हम बनाना है। यानी छोटा नहीं, दो दो चार, यानी चार वर्ड का बना सकते हैं। तो चलिए हम 5 5 5 टैप करके देखते हैं। दोस्तों ये गलत हो गया, तो हम इसको ग्रेटेस्ट लगा के देखते हैं, 9 9 9 9 9, ये भी नहीं हुआ। तो चलिए हमको क्या करना होगा देखते हैं। इसका स्पेस ब्लैंक जो है उसे ऊपर कर दिए, देखिए एक सब नहीं हो रहा, लेकिन एक ही हो रहा है, उसे हम ऊपर कर दिए हैं। अब चलिए हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट को करके देखते हैं, कहीं ग्रेटेस्ट ही हो जाए। 9 9 9 9, देखिए ये सही हो गया, यही होना चाहता। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अगला लेवल है 87। यहाँ पे लिख रहा है वंस अगेन, यानी कि ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। दोस्तों किए तो थे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये जो लेवल हम खेल रहे हैं, ये लेवल इसी वीडियो में पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन वहां पे हमें 8 तीर को पिन करना था, लेकिन यहाँ पे 20 तीर को पिन करना है। लेकिन इतना छोटा सर्कल में हमें 20 तीर को पिन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमको इसको करना है चाहे जैसे भी करें। इसको जूम कर देंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको जूम करेंगे, उसके बाद लगातार इस पर टैप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, वन बाई वन करके पूरा टोटल पिन हो जाएगा और राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप करके तो देखिए। अगला लेवल है 88। यहाँ पे बोल रहा है मॉम इज बैक, हेल्प मी हाइड गेम पैड, यानी कि इस जो गेम पैड है इसके पीछे मम्मी छुपी हुई है, जिसे हमको बाहर
निकालना है। तो चलिए हम मम्मी को बाहर निकालते हैं। मम्मी आ जा बाहर। देखिए उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो गैम पैड है उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, एक मिनट से भी कम लगेगा समय, बस हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, अगला लेवल है 89। यहाँ पे हमें जो ये लड्डू सरियाया हुआ है इसको हमको नीचे की तरफ ही कर देना है, जैसे कि ऊपर की तरफ ये एरो की तरह है उसी प्रकार से हमको नीचे की तरफ एरो जैसा बनाना है। तो इसके लिए हमें मात्र 3 ही लड्डू को इधर उधर हिलाना है, बाकी लड्डू को जैसा है वैसा ही रखना है। ये गेम दोस्तों हम बहुत ही पहले बचपन में ही खेले हुए थे, आज भी हमें मिल रहा है ब्रेन आउट में। चलिए इसको हम नीचे सेट कर दिए, और ये वाले को हम, ये सेकंड नहीं फर्स्ट वाले अब हो गया, जैसे हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको, हम यहाँ पे सेट करेंगे, देखिए हो गया। इस प्रकार से आप लेवल को पार कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, अगला लेवल है 90। यहाँ पे बोल रहा है टैप इन द फ्लोइंग ऑर्डर्स 33 16 82 20 17 60 33, यानी कि हमें इस नंबर को 1x1 करके यहाँ पे क्लिक करना है और इस लेवल को हमें पार करना है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि फिगर में अरेंज कैसे किया हुआ है। पहले 33 है लेकिन हमें 33 टैप करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, 1 दिया गया है। तो चलिए हम 1x1 करके करेंगे, 1 6, उसके बाद 8, उसके बाद 2 20 17 60 33, देखिए सही हो गया। इस प्रकार से इस लेवल को पार कीजिएगा, लेकिन इस लेवल को पार करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि नंबर कौन सा है, क्योंकि थोड़ा सा नंबर यूज करने के बाद नंबर खुद ब खुद हाइड हो जाने वाला है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए।